मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय, कुछ परीक्षार्थी और विद्यार्थियों ने मुझसे यह पूछा है कि सर हम कोई भी एग्जाम देते हैं, यदि हमारे को किसी झूठे मामले में या सही मामले में भी कोई हमारे खिलाफ FIR है तो हम क्या उसे डिस्क्लोज करें या नहीं करें। दूसरा, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ यदि FIR है पुलिस थाने में, विवेचना चल रही है, केस में कन्विक्शन हो गया है, तो आगे हम क्या करें। विषय महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें, बीच में वीडियो को एस्केप न करें, बताई गई जानकारी को ध्यान से सुने। और मेरा एक अनुरोध है, यदि चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और अनुरोध है कि मेरी वाइफ श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, श्रीमती अर्चना शर्मा के का अर्चनाज आरटी हब के नाम से, कृपया आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जहां तक जब भी किसी परीक्षा में आप एग्जाम में बैठते हैं तो जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसमें आप सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर दें, उसको सप्रेस न करें, छुपाएं नहीं किसी भी फैक्ट को, चाहे वो मामला लंबित हो, चाहे वो निबट गया हो, एक्विटल हो गया है, अगर दोष मुक्त हो गए आप और उसमें आपके खिलाफ कोई अन्य अपील वगैरह में नहीं गया है, कोई कार्यवाही जो कुछ भी स्थिति है उसको आप भरने वाले अभ्यर्थी फॉर्म में स्पष्ट भर दें। क्योंकि किसी भी परीक्षा में आपके सिलेक्शन के बाद निश्चित तौर पर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, विभाग पुलिस वेरिफिकेशन कराता है, मेडिकल कराता है, जो भी तथ्य हैं वो स्पष्ट कर दें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब जहां तक ज्वाइनिंग के बाद यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ऐसे डिस्क्रिप्शन चूंकि आपने पहले भरा था उस पर एम्प्लॉयर की डिस्क्रिप्शन रहती है, हीनियस ऑफेंस वो नहीं होना चाहिए, मतलब गंभीर प्रकृति का कोई अपराध ना हो। और ट्रायल के बाद आपको सजा हुई है, क्या स्थिति है, तो कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान यदि उनकी जानकारी में ये तथ्य आता है और आपने सही तथ्य डिस्क्लोज कर दिया है, पहले फॉर्म भरते समय बता दिया है, तो ये एम्प्लॉयर के विवेक पर रहता है कि वो क्या एक्शन लेगा। पहली चीज, कॉमन मामले में सरकारी कर्मचारियों की कई बार कोई कन्विक्शन वगैरह होता है तो उसमें पेंशन तक रोक दी जाती है। कन्विक्शन होने पर केस टू केस फैक्ट्स, उसके तथ्य और सर्कमस्टेंसेस क्या थी ये निर्भर करता है, ये एम्प्लॉयर के विवेक पर है। तो एहतियात ये आप अवश्य भरें कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं किसी परीक्षा का और उसमें कोई भी जानकारी मांगी जा रही है तो आप इस फैक्ट को, तथ्यों को छिपाएं नहीं, स्पष्ट तौर पर बोनाफाइडली सद्भावना पूर्वक उसका उल्लेख करें। जैसे एग्जाम्पल है, कोई आप सिविल सर्विसेज में बैठना चाहते हैं, जुडिशरी में बैठना चाहते हैं, पुलिस में बैठना चाहते हैं, तो अगर आपके खिलाफ कोई हीनियस ऑफेंस जैसे उदाहरण के तौर पर धारा 302, 307, 376, पॉक्सो एक्ट आदि का यदि कोई मामला लंबित है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, तो आप उसका उल्लेख अवश्य कर दें फॉर्म में, पहली चीज। दूसरा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सरकारी सेवक अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई FIR लंबित है और उसमें क्या कार्यवाही एम्प्लॉयर कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध यदि कई बार झूठे मामलों में FIR किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो घर से संबंधित हो, बाहर के लोग हों, इसलिए कराई जाती है कि इसकी सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध यदि कोई FIR है और 48 घंटे तक वो अरेस्ट रहता है या लॉकअप में रहता है तो सबसे पहले तो उसे निलंबित या सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान यदि उस पर कोई ऐसा आरोप है कि उसने कोई गलत कार्य कर दिया है तो उसे लापरवाही करने पर भी सस्पेंशन किया जा सकता है। FIR के बाद धारा 154 FIR CRPC के अंतर्गत होती है, जो मैंने अलग से इस चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं। किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या अनुसंधानकर्ता अधिकारी की जो हेड कांस्टेबल से नीचे की रैंक का नहीं होगा वो मामला अनुसंधान करने के लिए आपके विरुद्ध दिया जाएगा। आयु उसमें नियुक्त होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो वास्तविकता का पता लगाएगा, अनुसंधान करेगा कि वास्तव में आपने आरोपित अपराध किया है कि नहीं, गवाहों के कथन लेगा, मौके पर जाएगा, सारी स्थिति को देखेगा। तो यदि कोई सीरियस या हीनियस ऑफेंस है 376, 302 और किसी तरह के करप्शन आदि के आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे तो जांच वगैरह होगी। फैमिली के झगड़ों में भी कई बार झूठे नाम आपके खिलाफ लिखा दिए जाते हैं तो आप किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे PCS का मेंस है, अदर कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो FIR अगर आपके खिलाफ है, विवेचना चल रही है, कोई सजा वगैरह हुई, तो इसका उल्लेख जरूर उस फॉर्म में आप कर दें। सरकारी परीक्षा होने के बाद भी एम्प्लॉयर आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजता है, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट हो या जो भी कोई हो, हेल्थ मेडिकल ग्राउंड पे या तो आपका होल्ड कर लेगा वो या ज्वाइनिंग अगर करा देता है तो उसके परिणाम की प्रतीक्षा करता है, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ
पुलिस वेरिफिकेशन। ज्वाइन होने के बाद प्रोबेशन पीरियड रहता है, परिवीक्षा यदि आपने सफलतापूर्वक कर ली है तो एम्प्लॉयर का विवेक है कि वो आपके खिलाफ चाहे तो इंक्वायरी भी कंडक्ट करा सकता है कि आपके खिलाफ फलां फलां आरोप थे, आपने ये तथ्यों को छुपाया है या नहीं छुपाया है, तो चूंकि आपको सजा हो गई है तो वो आपको चाहेगा तो इंक्वायरी करके रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शो कॉज देगा और आपकी जांच वगैरह करने के बाद आपको नौकरी से चाहे तो निकाल भी सकता है। छोटा लाइटर पनिशमेंट भी देता है, इंक्रीमेंट भी डेल्ट कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है, उसके अलावा कोई आपको 1-2 वर्ष की वेतन वृद्धि रोक सकता है, फाइन कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी सुनवाई का अवसर जरूर मिलेगा, शो कॉज दिया जाएगा, हियरिंग की अपॉर्चुनिटी यदि आप प्रोबेशन वगैरह सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए। तो क्रिमिनल ऑफेंस में जो सेवरिटी ऑफ द क्राइम है या अपराध की जो गंभीरता है वो देखी जाएगी, उस वो मायने रखती है। गंभीर अपराध के बाद भी आप अगर लगातार लंबे समय तक सेवा में हैं तो एम्प्लॉयर चाहेगा तो वो आपकी इंक्वायरी सेटअप आपके विरुद्ध कर सकता है। तो ये डिस्क्रिशन ऑफ द एम्प्लॉयर है, हीनियस अगर ऑफेंस है तो वो उस हिसाब से देखेगा। अब कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें सिविल केसेस कोई चाचा ने, ताऊ ने, बंटवारे का, कोई जमीन जायदाद का, वो आपके खिलाफ अगर चल रहा है तो सामान्यतः इन दीवानी मामले, क्योंकि वो अधिकार और दायित्व से संबंधित हैं, उसका नौकरी पर कोई सामान्यतः असर नहीं पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया केवल क्रिमिनल केस में ही पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह लिया जाता है और उसमें आप थाने की रिपोर्ट वगैरह भी बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में बुलाई जाती है। तो आप कृपा करके यदि कोई मामला आपके खिलाफ लंबित है उसकी सही सूचना समय से जॉब लगने के पहले या जैसी भी स्थिति हो उसमें डिक्लेरेशन भरने के पहले अवश्य दे दें, जिससे आपका बचाव हो सके और फिर जो एम्प्लॉयर के विवेक का विषय है, डिस्क्रिशन का है, उसे अनुसार तदनुसार एम्प्लॉयर उसमें कार्यवाही करेगा। तो मैंने सरल भाषा में आपको पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में, कई बच्चे पूछते हैं या नौकरी में आने के बाद, सरकारी सेवा में आने के बाद क्या होगा यदि कोई FIR हो गई या पिछली पेंडिंग है उसमें सजा हो गई, तो ये मैंने सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में बताई गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी सरकारी कर्मचारियों या नए जो विद्यार्थी हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए अति आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।